हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ठीक है, सबको पता है यार, हम लोग चार ब्लड ग्रुप नॉर्मली जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए बी। जब ए बी मिल दोनों के मिल जाते तो ए बी होता है, और न्यूट्रल के मामले में ओ होता है। ठीक है भाई, तो ब्लड ग्रुप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने ट्वेल्थ वगैरह में भी पढ़ रखा, आसान है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। मनुष्य में ब्लड ग्रुप्स की वंशागति मेंडल के जो लॉज होते हैं, यहाँ पे एन छूट गया है, तो मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग होती है, तथा इनकी वंशागति मल्टीपल एलील्स के द्वारा होती है। एलील क्या होते हैं, हमने वो भी यहाँ पे लिख दिया है। जब दो से अधिक जीन एक जैसे लक्षण, जीन समझते हो, हमने आपको बताया गुणसूत्र होता है, खींचते हैं डीएनए निकलता है, और डीएनए पे ही पाए जाते हैं जीन। ठीक है, जीन ही माता पिता के लक्षणों को संतान में पहुंचाते हैं। ठीक है भाई, तो जब दो से अधिक जीन एक ही लक्षण दिखा रहे होते हैं तब उसे कंट्रोल करते हैं, तब उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स को स्थापित करने के लिए हम लोग एंटीजन मान लेते हैं। अब एंटीजन क्या है भैया, देखो, ए का हम लोग मान लेते हैं आई ए, जरा देखना भाई, ए वाले को हम लोग मान लेते हैं आई ए, ऐसे करके ए वाले को मान लेते हैं आई ए, बी वाले के लिए एंटीजन आई बी, ओ वाले के लिए आई ओ कह लो या उसे आई जीरो पढ़ लो, कुछ नहीं है तो इस तरीके से। ठीक है, आई ए और आई बी कुछ नहीं कर, एक दूसरे को कुछ नहीं कर पाएंगे, ए और बी कुछ नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को उदासीन होते हैं। ठीक है, लेकिन ए और बी दोनों ओ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे। यहां पर हमने लिखा हुआ है, एक तरफ है ब्लड ग्रुप, ये है ए। ए ग्रुप कब दिखेगा, जब दोनों ए होंगे, या फिर एक ए और एक ओ होगा तब भी। क्यों? ए वाला ओ को प्रभावित कर देगा, ओ वाले की नहीं चलेगी, ए की चलेगी। उसी तरीके से बी ग्रुप कब होगा, जब दोनों जो मिल रहे हैं वो या तो बी बी होंगे, दोनों के ही बी है मान लिया, या फिर एक का बी है और एक का ओ है, ब्लड ग्रुप। यानी इन सबका फायदा क्या होता है यार, ब्लड ग्रुप फ्री फंड में निकाल, क्योंकि पता चल सकता है कि कौन किसकी संतान है, पूरी टेबल बना सकते हैं, बच्चा किसका हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, ऐसे ए बी कब होगा, जब एक का ए होगा एक का बी होगा, तो जो बच्चा वगैरह होगा वो क्या ए बी होगा, ब्लड ग्रुप, दोनों का ओ है तो फिर ओ हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार माता पिता से शिशु में ब्लड ग्रुप को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भैया, जैसे यहां लिखा हुआ, मान लिया ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई है और ओ ब्लड ग्रुप वाला कोई है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है तो ए बी है, तो जाहिर सी बात आई ए और आई बी इसमें होगा, इसमें क्या इसके एंटीजन क्या होंगे, जब ओ ही है तो दोनों आई ओ और आई ओ होंगे, तो इनके जो बच्चे होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, जब इनका ए और इनका ओ मिलेगा तो ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, इनका ए और उनका ओ मिलेगा तब भी ए, क्योंकि ए वाला प्रभावी है, ओ वाला प्रभावी नहीं है, ओ वाला बाबा होगा तो यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जो है वो सही है। जब इनका बी और इनका ओ मिलेगा तो बी ब्लड ग्रुप होगा, इनका बी और इनका ओ तो भी बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, यानी ओ वाला बहुत रेयर होता है। क्यों? ओ वाला बेचारा जाता भी है तब भी उसकी चलती नहीं, उस पर बाकी ब्लड ग्रुप प्रभावी हो जाते हैं, और इस तरीके से दूसरा वाला ब्लड ग्रुप दिखता है, ओ वाला दिखता ही नहीं। ओ केवल तब दिखेगा जब इधर भी ओ है उधर भी ओ है सब ओ ही है, तब ये कंडीशनें आती है। ठीक है भाई, ब्लड ग्रुप्स के इंपॉर्टेंस को समझा जाए तो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन से फायदा क्या है, व्यक्ति की नंबर एक तो जान बचाई जा सकती है, देख लिया भाई किसका ब्लड है तो वही ब्लड उसी ग्रुप का चढ़ाएंगे, अंधाधुंध चढ़ाना तो है नहीं कि कुछ भी चढ़ा दिया मर जाए आदमी, बदला। ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी दे सकता है, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी किसी से भी ले सकता है ए बी। इसके अतिरिक्त डिसोल्यूशन ऑफ, जैसे मान लिया पेरेंटल डिस्प्यूट है, माता पिता का झगड़ा है, ठीक है, इस तरीके की पेरेंटल डिस्प्यूट मतलब पैतृक संपत्ति का झगड़ा है, जो भी चीजें हैं उन सबको क्या सुलझाया जा सकता है, निम्न टेबल के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप मैचिंग कर सकते हैं, मम्मी का ब्लड ग्रुप ये है, पापा का ये है, तो बच्चे का ये संभावित हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर दोनों का ए है तो इनका बच्चे का ए या ओ हो सकता है, ए और बी है तो बच्चे का ए बी ए बी ओ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप चलेंगे, पूरी यहां पे टेबल भाई लगा दी गई है, इसे आप देख लें। ठीक है भाई, तो ये है ब्लड ग्रुप, जो टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिल सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश है। कुछ लोग कहेंगे लगता है सर जी सो जाते हैं, फिर आते हैं चार पांच छह वीडियो धुआंधार बना के चले जाते हैं, मेरे भाई टाइम की बहुत दिक्कत रहती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने आपसे वादा कर रखा है कि कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा चीजें, क्योंकि अभी एमजेपीआरयू जहां जो हमारी तरफ चलती है यूनिवर्सिटी, उसके अभी पेपर शायद मार्च में हो, फरवरी में भी ना हो पाए, इस वजह से ठीक है चीजें आप तक पहुंच रही हैं। उसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज में पेपर हो रहे हैं, जैसे कल कानपुर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का पेपर था, बच्चों का बहुत अच्छा हुआ, तो टेंशन नहीं लेनी है, कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप खुद भी पढ़ते रहिए, टेलीग्राम पे ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आज कम से कम 3 से 4 वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।